कर्नाटक के बाद अब एक और दक्षिण राज्य तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एक जीत से उत्साह में कांग्रेस अब दूसरा राज्य भी फतह करने की जुगत में लग गई है। तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ इस बार प्रियंका गांधी ताल ठोकने जा रही हैं। तो क्या है प्रियंका को लेकर कांग्रेस का प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। तेलंगाना में इस बार विधानसभा चुनाव काफी धुआंधार होने वाला है। खबर है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ महासचिव प्रियंका गांधी को मुख्य चेहरा बना सकती है। इसे लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर भी जारी है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना कांग्रेस के नेता प्रियंका से मुलाकात कर उन्हें योजना भी बता चुके हैं। कांग्रेस नेता चाहते हैं कि प्रियंका ये सुनिश्चित करें कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। खबर है कि प्रियंका तेलंगाना में 7 या 10 दिनों की पदयात्रा भी कर सकती हैं। राज्य में साल के आखिर तक चुनाव हो सकते हैं। रिपोर्ट में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेता के हवाले से बताया गया, जिस पार्टी कांग्रेस ने तेलंगाना राज्य के गठन पर मोहर लगाई, प्रियंका लोगों से उस कांग्रेस को एक मौका देने के लिए कहेंगी। साथ ही वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से किए गए वादों को पूरा करने की गारंटी भी देंगी। फिलहाल राज्य में भारत राष्ट्र समिति की सरकार है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि युवाओं और किसानों के लिए सिर्फ योजनाओं के ऐलान से काम नहीं चलेगा। वो केसीआर के सामने चुनौती पेश करने के लिए प्रियंका गांधी जैसा मजबूत चेहरा चाहते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि तेलुगु मतदाता सिर्फ पार्टी की विचारधारा या योजनाओं से नहीं बल्कि मजबूत नेताओं से प्रभावित होते हैं। हाल ही में कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में बड़ी जीत मिली है। दोनों ही राज्यों में पार्टी ने सरकार बनाने में सफलता हासिल की। खास बात यह है कि इन राज्यों में प्रियंका गांधी की भूमिका काफी सक्रिय रही। हिमाचल प्रदेश जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर खड़े हुए तनाव को खत्म करने में भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका का बड़ा रोल माना जाता है। ऐसे में प्रियंका पर कांग्रेस को काफी भरोसा है। अब देखना होगा कि प्रियंका कब से चुनावी मैदान में उतरती हैं। प्रियंका के तेलंगाना चुनाव में उतरने की खबरों ने केसीआर खेमे में हलचल पैदा कर दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।